नमस्कार दोस्तों, ओसम गार्डन में मैं राकेश शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपने पौधों का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हावोर्थिया प्लांट के ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे पौधे होते हैं हावोर्थिया। ये एक सक्यूलेंट प्लांट है, तो हम आज सक्यूलेंट प्लांट के ऊपर बात करेंगे। देखिए इसके ऊपर कितनी अच्छी ये लाइन्स हैं, और ये थोड़ा सा रेडिश कलर में है, बिल्कुल ग्रीन नहीं है, थोड़ा रेडिश कलर में है ये। तो दोस्तों, हावोर्थिया के ऊपर बात करते हैं। हावोर्थिया एक बहुत ही स्लो ग्रोथ करने वाला पौधा होता है। ये जो पौधा है वो बहुत ही स्लो ग्रोथ करता है, परंतु ये दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कितना सुंदर है। इसकी ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग जैसे चाकू के दांते होते हैं उस तरह के इसके दांते से हैं, खुरदरा है ये ऊपर से। और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल है, बट ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये एक लाइव प्लांट है दोस्तों। और यह छोटे छोटे गमलों में लगा हुआ बहुत सुंदर दिखता है। जैसे कि मैंने एक छोटा सा एक डिब्बा था मेरे पास पड़ा हुआ, नीचे से टूटा हुआ है, तो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, नीचे से टूटा हुआ है ये डिब्बा, ताकि इसमें से पानी अच्छे से ड्रेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई छोटा पॉट नहीं है अभी, तो मैं लेके आऊँगा तब इसको उसमें ट्रांसप्लांट कर लूँगा। इस ये है ना, ये जो पौधा होता है, ये ऑफिस हो या घर हो, ऑफिस की घर की टेबल पर हम इसको रख सकते हैं, और रखा हुआ ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हम कैसी भी कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं, इंडोर हो या आउटडोर हो, कहीं भी इसको लगा सकते हैं। और ऐसी जगहों पर जैसे ऑफिस की टेबल हो गई, घर की टेबल हो गई, ऐसी जगहों पर ये ग्रोथ भी अच्छे से करता है, और ये बहुत ही स्लो बढ़ता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, इसकी सभी किस्मों पर फ्लावर्स आते हैं, मतलब इसमें से एक लंबी सी डंडी निकलेगी, उसके ऊपर से फ्लावर आएगा कोई। ये बहुत ही स्लो बढ़ता है, इसलिए बहुत ही लेट फ्लावर आते हैं इसके ऊपर, और फ्लावर देखने में ज़्यादा अच्छे नहीं होते, बट ये प्लांट देखने में बहुत अच्छा होता है। इस पर जो फ्लावरिंग आती है वो समर में आती है, जो समर का सीज़न आता है तब इस पर फ्लावरिंग आती है, अन्यथा नहीं आती। इसकी बात करते हैं केयर इंस्ट्रक्शंस के बारे में, इसकी केयर कैसे करनी है। हमने बात सबसे पहले बात करते हैं लाइट के ऊपर। यह सभी तरह की कंडीशंस में रह सकता है, चाहे इंडोर हो या आउटडोर, पर यह डायरेक्ट सनलाइट या बिल्कुल अंधेरे में सर्वाइव नहीं कर पाता। इसलिए इसको आप ऐसी जगह रखें जहां पर सूरज की रोशनी आती हो, यानी कि आप इसको शेडेड एरिया में प्लेस कर सकते हैं, या फिर अपने गेस्ट रूम में रख सकते हैं अच्छे क्रेमिक पॉट में लगा के। और इसकी जो मिट्टी है वो हमने कैक्टस और सक्यूलेंट की एक सॉइल आती है मार्केट में, वो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या फिर अमेजोन वगैरह से मिल जाती है इसकी जो कैक्टस एंड सक्यूलेंट सॉइल होती है, वो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं क्रेमिक पॉट में। तो क्रेमिक पॉट में इसको लगाएं, और अपने गेस्ट रूम वगैरह में आप इसको रख सकते हैं। तो रखने के बाद इसको ऐसी जगह पर रखना है कि जहाँ पर सूरज की रोशनी आती हो, मतलब कि रोशनी जो है वो इसको मिलती रहे हल्की फुल्की, और कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ये। अब बात करते हैं वाटरिंग की। इस प्लांट को पानी की बहुत ही कम जरूरत होती है, क्योंकि ये एक सकुलेंट प्लांट है। सकुलेंट प्लांट को पानी की बहुत ही कम जरूरत होती है। अगर उसको हम ओवर वाटरिंग करेंगे तो, क्योंकि इसमें जो इसके पत्ते होते हैं, पत्तों में सकुलेंट, हर कोई भी सकुलेंट प्लांट हो, वो अपने पत्तों में वाटर होल्ड कर सकता है, और वो काफ़ी हद तक वाटर को स्टोरेज रखता है। इसलिए उसमें अगर हम ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो उसके पत्ते येलो हो जाएंगे और पल्पी हो जाएंगे, और वो जल्दी ही ड्राई भी हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसे पौधों को आप घर में रखें, और उसमें पानी जो है वो बहुत ही कम दें, यानी कि आप इसको हफ्ते में एक बार पानी दे सकते हैं, वो भी कम ही देना है। ज़्यादा पानी देने से ये प्लांट मर सकता है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। तो इसको
कोई मैटर नहीं करता कि कैसी ह्यूमिडिटी में आप इसको ग्रो कर रहे हैं। अब इसको इंडोर आउटडोर सर्दी गर्मी कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, ये अपनी ग्रोथ बढ़ाता रहता है। अब बात करते हैं फीडिंग की। इस प्लांट को फीड बहुत ही कम करें। ये देखें कि जो सॉल्यूशन आप डाल रहे हैं जैसे कि इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र आप कुछ यूज़ कर रहे हैं, वैसे इसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही कम करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके टेम्परेचर की। इसका जो टेम्परेचर है ये 4 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री तक ये आराम से सर्वाइव कर जाता है। बट इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, इसको आप इंडोर रखें या फिर शेडेड एरिया में रखें तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। अब बात करते हैं इसकी रिपोर्टिंग की। तो दोस्तों जब ये पॉट है इसमें से ये बाहर निकलने लग जाएगा, इसकी जो ये इधर से रूट्स हैं यहीं से इसके छोटे छोटे से और दूसरे पौधे भी निकलते हैं, क्योंकि इसके कोई सीड या नहीं लगते तो ये अपनी जड़ से ही अपनी ग्रोथ स्टार्ट आगे बढ़ाता है। तो इसको जब हम ये पूरा भर जाता है तो इसको हम अलग करके इसको रिपोर्ट करते हैं। और बात करते हैं प्रोपोगेशन की। इसमें से जैसे ये है इनमें ये जड़ों में से ही अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है, तो आप एक शार्प नाइफ लें या फिर ब्लेड के साथ इसको आराम से कट कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जैसे हम कट करके लाते हैं उसमें कुछ थोड़ी बहुत रूट्स, जैसे इसके पास रूट्स हैं कुछ, तो ऐसे कुछ रूट्स होनी चाहिए, और उसको काट के आप एक दिन के लिए ऐसे ही रख दें, उसको काटते ही ना लगाएं, उसको एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें और फिर उसको आप प्लांट करें तो इसकी ग्रोथ हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। इसकी हाइट, इसकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, तो वैरायटी के हिसाब से इसमें इसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये एक बहुत ही छोटा पौधा होता है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आप, ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है, बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही प्यारा दिख रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, आपको पता नहीं लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। तो दोस्तों अब इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। मैं इसको मिट्टी में लगाऊं क्योंकि मेरे पास कैक्टस एट सक्यूलेंट सोइल नहीं है, तो इसके आप उंगली के साथ थोड़ा सा होल कीजिए मिट्टी में। मिट्टी मैंने वेल ड्रेनेज रखी हुई है क्योंकि इसमें मैंने 60% रेत मिला दिया है और इसमें 40% इसमें मैंने गार्डन सोइल यूज़ की है। तो इसको आप मिट्टी में लगा दें इस तरीके से, और ये आप सोचोगे कि ये तो बढ़ ही नहीं रहा, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये बहुत ही स्लो ग्रोथ करने वाला पौधा होता है। इसकी ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं होती कि आपने लगाया और 2-4 महीने में ये बड़ा हो जाएगा। इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो होती है। इसको मैंने लगा दिया है, आप गमले के बीच में इसको लगा सकते हैं। आई थिंक ये गमले के बीच में नहीं है, मैंने एक साइड पे ज़्यादा लगा दिया है, तो मैं इसको दोबारा प्लेस करता हूँ। तो ये मेरा हावर्थिया का प्लांट लग गया है। अब टाइम है वाटरिंग का, तो इसको आप एक बार अच्छे से वाटरिंग कर दें जिससे कि इसकी जो मिट्टी है एक बार अच्छे से गीली हो जाए। जो वो मेरा दूसरा हावर्थिया का प्लांट है वो मैं और किसी जगह पे लगाऊंगा या फिर किसी दूसरे पॉट में लगाऊंगा इसको मैं। एक बार आप इसको अच्छे से एक बार वाटरिंग कर दें, और इसको वाटरिंग कम ही कर रखनी है आपको। जैसे मैं आज इसको पानी दे दूंगा तो दोबारा इसको काफ़ी दिन तक पानी नहीं दूंगा, लगभग एक हफ्ता या 10 दिन तक मैं इसको पानी नहीं दूंगा। ये ऐसे ही इसी में से अपनी ग्रोथ बढ़ाता रहेगा। तो दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो मैं आपको दिखाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ।
तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।